आज हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। आप कोई भी पास्ता वो ले लीजिए, कोई भी आपको जो पसंद है वो आप ले लीजिए। जो बेसिक वाला पास्ता आता है उसको 8 से 9 मिनट लगते हैं, इसको 9 से 10 मिनट लगते हैं बॉईल करने के लिए, बस इतना। सबसे पहले हम पैन लेंगे। पैन में पानी मैंने पहले ही बॉईल होने के लिए रख लिया। ये पानी मेरा बॉईल होने वाला है। इसमें मैंने 200 ग्राम पास्ता लिया है, करीब हाफ टेबल स्पून जितना नमक डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून जितना ऑयल ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये पास्ता को मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, बीच बीच में चेक करती रहूंगी। करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है इसको, इसको बीच बीच में चेक कर दूंगी। सिम टू मीडियम गैस रखूंगी इसको। इस तरीके से करके मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया, साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ दूंगी। इस तरीके से करते हैं इसको मैं बॉईल होने के लिए। साइड बाय साइड हम व्हाइट सॉस बनाने के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके अंदर मैं 2 चम्मच जितना, 50 ग्राम जितना करीब बटर डाल दूंगी। कोई भी बटर आप डाल लीजिए, अमूल बटर डाल रही हूँ मैं, कोई भी बटर आप डाल सकते हैं। इस तरीके से करते हुए मैंने डाल दिया। इसको हम पहले पिघलने देंगे। और बटर हमारा पिघल गया, मैं 2 टेबल स्पून छोटी वाली मैदा डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से हम चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं पहले। इस तरह से चलाते हुए अब हम इसको भून लेंगे। मैदा भून चुका है। अब इसमें धीरे धीरे हम थोड़ा सा वार्म मिल्क, करीब 2 कप जितना हम अंडे में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। इसको चलाते हुए गैस को बिल्कुल सिम रखना है, गैस को तेज नहीं करना। सारा मैं वार्म मिल्क डाल दूंगी इसके अंदर और ये लम्स को मैं खत्म करूंगी चलाते हुए। पास्ता हमारा चेक कर लेते हैं, हो गया है। इसको फोर्क की हेल्प से हम इस तरह से काट के देखेंगे, कट रहा है इजीली। ये देखिए, इसको इसी तरीके से चेक करिए और इसको ड्रेन कर लीजिए। फटाफट से इसको ड्रेन कर लीजिए, इस पानी में इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। पास्ता जब ड्रेन कर लो, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के 1/2 टेबल स्पून जितना इस तरह से करते हुए डाल के, बहुत कम, थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। इस तरह से हिला लेना जिससे बिल्कुल आपस में चिपकेगा नहीं। ये देखिए, ये भी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये चीज डाल रहे हैं, चीज ब्लेंड। ये करीब मैं आधी बाउल जितना डाल दूंगी और इसको हिला लेंगे। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी अब इस स्टेज पे अब हम क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल लें, सॉल्ट डाल लेंगे। मैं 1 टेबल स्पून जितना मैंने डाला है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से हिला देंगे। व्हाइट सॉस हमारा रेडी हो गया। ये दूसरा पैन लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा सेस्मे ऑयल ले लिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं पहले। हो गया, ये मैंने थोड़ा सा बटर भी डाल दिया इसके अंदर, वो हो गया। अब हम ये थोड़ा सा, एक छोटा सा ऑनियन के शेल्स निकाल लिए थे बड़ा बड़ा काट के, इसको कर लेंगे। साथ में बेल पेपर है थोड़ा सा, ये भी इसको अच्छे से कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। हो गए हैं, 1 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। बस थोड़ा सा सॉफ्ट करते हुए चलाते हुए सॉफ्ट कर लेना। बेबी को ये कॉर्न डाल दूंगी, स्वीट कॉर्न। ये चॉइस है आपके, आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको भी चला लेंगे 1 मिनट। ये देखिए हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम पास्ता डाल देंगे। इसको हिला लेते हैं। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम व्हाइट सॉस डालेंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब स्वाद अनुसार इसमें ऑर्गेनो डालेंगे, ऑर्गेनो मिक्स हर्ब्स, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। व्हाइट पेपर 1/2 टेबल स्पून, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते। ये लीजिए पास्ता रेडी है, मेरा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। इस रेसिपी से आप भी एक बार बनाइएगा, बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा बना, और कोई कुछ करेक्शन करना हो तो वो भी प्लीज मुझे एडवाइस करिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।